Hello, hello, check. Hello, 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 hello. I could see this that you know people were laughing at the right punches and it is a situational comedy, so I think they were having a blast. I'm happy that people are liking it and watching the movie and enjoying it. Ye mujhe acha laga. Do you thought ki ye movie mein aisa response aayega, because people apne good reaction aap sunke people don't want to watch because kaafi pehle tak liking thi. I didn't actually think कि क्या होने वाला है, but it was more of you know कि I'm happy to see the response. मुझे लग नहीं रहा था कि लोग जुड़ेंगे, पर लोग जुड़ रहे हैं, तो which is a very good thing for our film. और enjoy कर रहे थे और it was nice. I mean, I loved the response. Yeah. Yeah. मुझे पता है, she's very small अभी, she just 3.5 साल की है वो, और I hope she was enjoying it. Yeah. So ma'am, आप क्या लगता है ये film किसी मतलब हर एक के दिमाग में छाप छोड़ जाएगी? I think it's a cute film, it's a small love प्यारी सी movie है ये, और ऐसा नहीं कि बहुत दिमाग लेके जाने देखने की ज़रूरत है इसको, but एक छोटी सी film है, प्यारी सी film है. I feel के yes, लोग देखेंगे, लोग enjoy करेंगे, और जो लोग दूरदर्शन देखते थे उस time पर वो लोग जुड़ेंगे इस फिल्म के साथ. एंड डेफिनेटली जो न्यू जनरेशन, जैसे कि देखा है कि जो बच्चे भी लगे हुए हैं क्रिएट करने के, रिक्रिएट करने के लिए दैट एरा, सो दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. मुझे पुराना एरा ज़्यादा पसंद है, फिर उस पर्सनल टच ज़्यादा था. लोग अब सब लोग फ़ोन में बिजी रहते हैं, टीवी में बिजी रहते हैं, लेकिन आज का टाइम भी बहुत अच्छा है ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर गेटिंग टू वर्क, और मैं काम कर रही हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ. बस प्लीज वॉच द मूवी. दूरदर्शन रिलीज हो चुकी है, मैंने आज फिल्म देखी है और बहुत से लोगों ने इसको पसंद किया है देखकर, और खुश होकर बाहर निकल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. थैंक यू, थैंक यू सो मच. वो कहाँ गया? अजय मार जल्दी जल्दी. करते थे एंटीना इधर उधर. थैंक यू संदीप एंड रितु फॉर सच अ वंडरफुल मूवी. माही गिल इज एक्टेड सुपर, सबकी वंडरफुल एक्टिंग, 5 स्टार रेटिंग आई वुड से.
वेरी नाइस। यार पुराना तो कहना ही नहीं, अभी तो पुराना जमाना वॉज फार बेटर, बहुत अच्छा था एंड वी कुड रियली रिलेट दैट यू नो, सुपर बहुत अच्छा। I love the movie. It's an amazing movie. Everybody should watch it. And Mahi Gill and Manu Rishi, they rock. It's a wonderful movie. This concept was very unique. Yeah. Purani zamane ko ek aurat ke liye wapas recreate karna was very important. Yeah, it was very interesting because they had to recreate the past and how they tried to bring the humor in the present. And wonderful performance, wonderful script. And it's a family oriented movie. I think everybody should watch. And I think the children have finished their exams also. So please come and watch the movie for sure. Okay, out of 5, how many stars would you give? I would like to give 4.5 out of 5. Okay, thank you so much. Thank you so much. ये बनी है सब फैमिली के साथ, आप आके सब लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छी मज़ा आएगा, बहुत अच्छा मज़ा आएगा सबको पिक्चर देखने में, और मैं तो बहुत खुश हो गया देख के। थैंक यू। हाँ पुराना जमा, पुरानी यादें याद आ गई इसमें, जो टीवी हम लोग देखते थे, अभी अभी जब फास्ट हो गया तभी तो पुराने जमाने में चले गए, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फोर्स फास्ट रास्टर बैठ अच्छा है, बहुत अच्छी मूवी थी दूरदर्शन, फुल मस्ती, टोटल धमाल, फुल एंटरटेनमेंट, रॉकिंग, प्लीज गो एंड सी इट। बिल्कुल बिल्कुल, पुराना नया ऑल मिक्स, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। 5 5 It was an amazing movie, superb star cast. You must go and watch this movie. It's amazing. Sara purana zamana yaad aa jayega. Kitne star dena? 4.5. Superb duper movie. I think all families should go together and watch this movie because this movie is superb. And I want to give 4.5 stars. And it's enjoying and family movie. Thank you. Yes, बननी चाहिए क्योंकि पुरानी यादें ताजा हो जाती है और आज की यादें भी मिक्स जो दिखाया गया वो बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। एवरीबडी शुड गो, ईच एंड एवरी फैमिली शुड गो एंड वॉच दिस मूवी टुगेदर। 4.5 बहुत अच्छी लगी, बहुत 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 अच्छी कॉमेडी है, बहुत अच्छी एक्टिंग, वेरी नाइस। बिल्कुल बननी चाहिए, ज़रूर। एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और रिलेशंस को भी बहुत वैल्यू दी है इस मूवी में, विच इज़ वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल, 70-80 का दशक है, 90 का दशक है और पुराने दशक की पिक्चर्स में रिलेशंस को बहुत वैल्यू दी जाती है, वेरी नाइस, वेरी एंटरटेनिंग, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 में से 5 बिल्कुल बहुत अच्छी लगी, हम सब एंजॉय किए अपने फ्रेंड्स के साथ, मज़ा आ गया मूवी में, हाउसफुल जैसे टाइप है, फनी मूवी उसी तरह की है ये, हम तो वही सोच के आए थे, एंजॉय करने आए थे, बहुत बड़ा मज़ा आया, एक्टिंग सबकी अच्छी थी। या 4 5 में से 4 देंगे, अमेजिंग, ऑसम मूवी, डू वॉच। इट्स ऑसम, फन टू बी विद, टोटल धमाल मूवी, इट्स आवर पैसा वसूल, पैसा वसूल एंड इट्स आवर फ्रेंड्स मूवी, इट वाज रियली स्पेशल मूवी फॉर अस, एक्चुअली इट्स अ फैमिली मूवी एंड आई थिंक एवरीवन शुड कम एंड वॉच इट एंड आई गिव द बिग थम्स अप। 5 स्टार, बहुत अच्छी लगी, इट वाज फुली पैसा वसूल मूवी एंड वी रियली कनेक्टेड टू आवर 80s टाइम, दूरदर्शन के टाइम पे। हाँ बननी चाहिए, इनफैक्ट यू नो हमारी जो जो हमारा पुराना टाइम है, जो हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, इट शुड बी देयर, लाइक यू नो इट शुड कम। 5 स्टार्स। Just watched Doordarshan and I thought it was a very nice and different movie. It's not a type of movie that you see every single day and it's just, it's very different and your laughter definitely won't stop, so I would 10 on 10 recommend it. You saw the actors also, whose acting you like the most? I probably like Dadi's character the most. Dolly Ahluwalia played it and I thought she did a wonderful job because the character was basically dead for 30 years. So to play a character that difficult, I think she did complete justice to her, which was great. Okay, and how many stars would you like to give? Sorry? How many stars would you like to give? 5. Okay. I love the movie. I think it's a really unique movie and the theme of the movie is just great. It's funny, it's for children, it's for adults. There's an element of relatability to it, which is amazing. Whose character you like the most? I think I liked Sunny's character the most.
Sunny's character was very unusual. It was super funny, and I think he fit the character really well. Okay, out of 5, how many stars would you like to give? 6 out of 5. 5 out of 5, actually. Okay, thank you so much. About you, how do you like it? It was great. I think it's a great representation of what the household was in 1989, and we hadn't been exposed to that sort of culture and that sort of household. So that helps like our generation to learn about the past. And I think it's a great movie. It's a must watch at least once. Okay, out of 5, how many stars? 4.5. Okay, thank you so much.